हरियाणा के पंचकुला में चंडी मंदिर मिलिट्री स्टेशन में एक शख्स खुद को सेना का मेजर बताकर गेट पर एंट्री मांगने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद गार्ड को शक हुआ तो गार्ड ने उसको रोकने की कोशिश की। जैसे ही गार्ड ने उसको रोकना चाहा, तभी वो शख्स वहां से भाग निकला। आपको बता दें, मिलिट्री स्टेशन में घुसने की कोशिश करने वाले शख्स का नाम है गणेश भट्ट, जिसकी उम्र 36 वर्ष बताई जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक 3 सितंबर की रात करीब 10:30 बजे सफेद रंग की ब्रेजा गाड़ी चंडी मंदिर के मिलिट्री स्टेशन के मुख्य द्वार शक्ति द्वार पर पहुंची थी, जिसके बाद कार में बैठे उस शख्स ने स्टेशन में जाने की मांग की। ड्राइवर खुद को मेजर गणेश बताते हुए सुरक्षा कर्मियों से कहता है कि वो जीरकपुर में इंग ब्रिगेड में तैनात है। हालांकि उस शख्स के पास कोई भी ऐसा आइडेंटिटी प्रूफ नहीं था जिसे वो दिखा सके। कोई प्रूफ दिखाने की जगह उसने अपने मोबाइल में वर्दी पहने हुए अपनी एक फोटो दिखाई। उसके बाद गार्ड को उस पर शक होता है। शक होने पर गार्ड ने उसकी गाड़ी की चाबी लेने की कोशिश की, लेकिन गार्ड को चाबी नहीं मिली और धोखेबाज मौके से भाग निकला। लेकिन आसपास इस मामले से हड़कंप मच गया। तभी चंडी मंदिर में मिलिट्री इंटेलिजेंस की टीम ने इस मामले पर अपनी जांच शुरू की। टीम ने संभावित इलाकों पर उसकी तलाश के लिए निगरानी टीमों का गठन किया और फिर 5 दिन बाद यानी मंगलवार दोपहर को करीब 1:30 पर आरोपी शख्स गणेश भट्ट को पिंजौर के प्रगति विहार से पकड़ा गया। अब उस आरोपी से आगे की पूछताछ जारी है। आपका इस पूरे मामले पे क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।